अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान हज़ार और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, नई सॉफ्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज क्या जी, मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है जेहो सॉफ्ट फोटो रेज़र। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर की जो बात हम करेंगे, मैं कहता हूँ कि फ़ोटो एडिटिंग या किसी भी इमेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम चाहते हैं, हमें नापसंद होती हैं, हम अरेज करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो इमेजेस में नज़र आती हैं, एक्स्ट्रा इमेजेस जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, हम उसको किस तरह अपनी इमेज से अरेज करें। अगर आप वो फ़ोटोशॉप में करते हैं तो उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप के अच्छे खासे यानी कि स्किल होने चाहिए आपके पास, तब आप फ़ोटोशॉप पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप या तो किसी से करवाएँगे। तो मैं आपको इस जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे हम जब इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी फंक्शन को उसके किस तरह प्रूव करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आप यहां से इसकी डायरेक्ट साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन यहां से आपको फ्री में मिल जाएगा और यहां से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो $19 में आपको इसको सीरियल की के साथ ही आपको मिल जाएगा। तो मैंने ट्रायल वर्जन अभी जो है डाउनलोड किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊँगा। इसका नाम मैं दोबारा बताता हूँ, जी हो सॉफ्ट फोटो रेसर है। तो हम जो मैंने इसका डाउनलोड किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ, फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे रखी हुई है जो आपको दिखाऊंगा। ये फ़ोटो मैंने ख़ास तौर पे इसके सेलेक्ट करी है कि यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ जो कि इस इमेज में मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो है ये जो छोटा सा फ्लावर इसके साथ नज़र आ रहा है, जिसे कली कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको यहाँ से अरेज करूँगा। तो अगर फ़ोटोशॉप से भी आप कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास स्किल होने चाहिए। तो मुझे फ़ोटोशॉप नहीं आता, तो मैं इस सॉफ्टवेयर के मदद से इसको यहाँ से अरेज करूँगा, वो भी बहुत आसानी से, कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स इसका इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे पहले टूल्स के अंदर जो हमारे पास आता है सिलेक्शन ब्रश है, उसके बाद फेस री इलेक्शन है, उसके बाद ये डेशनल है, उसके बाद लोसो सिलेक्शन है, ऐसी है नीचे। ये इसका नाम है जी स्टैम्प टूल है ये। इसके बाद ये है नीचे स्मार्ट क्लोन टूल है, ये ओपेसिटी है इसकी। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ तो इसका साइज़ वगैरह यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, सही है। ये तो ये था इसका छोटा सा फंक्शन। तो यहाँ पे ये इमेज का आफ्टर बिफोर दिखाएगा जो हम इसमें चेंजिंग करेंगे। ये जूम माइनस प्लस है, अगर बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अरेज कर ये बटन अरेज का है। यहाँ पे से तस्वीर वगैरह जो आप बना लेंगे उसको सेव करने के लिए, मैं यहाँ से फर्स्ट ऊपर आके यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। इसका साइज़ मैंने यहाँ से देखे यहाँ कर लिया, तो मैं यहाँ जस्ट इसको जिस एरिया में ये है मैं इस एरिया पे इसको कलर कर दूँगा। सब पूरे एरिया को सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिया इसको। इसके बाद अभी नीचे मुझे डंडी नज़र आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट होने के बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स, ये तो हो गई सिलेक्शन इसकी। अब मुझे ये कली नहीं चाहिए थी, तो मैं इसको यहाँ से अरेज करूँगा। तो आप इसका इफेक्ट देखिएगा, ये किस तरह इसको अरेज करता है। अगर आप ये काम फोटोशॉप में करेंगे तो एक तो टाइम लगेगा और उसके अलावा आपको इसके काफ़ी सारे स्किल आने चाहिए। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टाइम ले सकता है, मगर कमाल का सॉफ्टवेयर है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें।
मैं तो आपको सजेस्ट खासतौर पर करूँगा कि अगर आप किसी भी ऐसी तस्वीर जो आपको नापसंद है चीज़ें आप किस तरह हटा सकते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैं ये आफ्टर बिफोर वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये तस्वीर यहाँ से इस तरह अरेज हो गई। फ्रेंड्स, ये था इसका एक फंक्शन। तो इसके अलावा इसमें एक और जो अच्छा चीज़ है, तो दोबारा खोलता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम दोबारा एक ओपन करते हैं, यहाँ से मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पे ये मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ, इसको तो भी मैं यहाँ से फुल इमेज करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं यही ब्रश इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे दो कलर दे रहा है, इसमें से आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ग्रीन कर लूँ रेड कर लूँ एक ही बात है। तो मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा जूम छोटा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और प्लस कर लेते हैं ताकि इजीली काम हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसको उसी तरह सेलेक्ट करूँगा जैसे मैं यहाँ से इसको लेता हूँ और यहाँ पे कलर का सिलेक्शन कर लेता हूँ। इस पूरी लड़की को जो बच्ची है मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप किसी अपनी पर्सनल फोटोज़ पे काम कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा और जूम करके जो है वो अच्छे तरीके से इसको करना पड़ेगा कि जहाँ तक हमने सिलेक्शन लेनी है वहीं तक लें। सही है, तो मैंने ये देखें सेलेक्ट कर लिया है इसको, नीचे मैं इसके टांगे भी ले लेता हूँ। यहाँ ये चीज़ लेने के बाद यहाँ मैंने एक टूल का जिक्र किया था आपके सामने, जो यहाँ पे था, ये खरगोश बने हुए यहाँ पे स्मार्ट क्लोन टूल है। बेसिकली ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप किसी लेयर की कॉपी करना चाहते हैं तो वो कॉपी आप कर सकते हैं, किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके उसकी एक कॉपी बना सकते हैं। मगर अगर ये आप फोटोशॉप में करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको सिलेक्शन करना। तो यहाँ पे मैं इसको, ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, तो अब मैं इसको यहाँ से, यहाँ देखें फ्रेंड्स, कमाल है, मैं कहता हूँ ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़बरदस्त है, आप अपने पास इसको इस्तेमाल करके देखें। तो ये देखें फ्रेंड्स, क्या कॉपी हुई है जिसका कोई कह नहीं सकता कि ये मैंने सेलेक्ट करके कॉपी करें। यहाँ हल्का हल्का सा इसका वो नज़र आ रहा है, जब आप इसको तस्वीर को बढ़ा करके सिलेक्शन करेंगे तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ये थी फ्रेंड्स इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। इसके अलावा इसमें और टचिंग वगैरह का भी इसमें ऑप्शंस वगैरह हैं, स्टैम्प टूल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फेस फिनिशिंग वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है। आप, मैं कहूँगा कि आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।